नमस्कार भाई। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है? राजू नाम है भैया। राजू नाम है क्या? हाँ। क्या घोड़ा ये आपका ही है क्या? हाँ भैया अपने। अच्छा कितने हाइट कितनी है इसके? इसकी भैया अभी 58 माप आएंगे इसका। अच्छा 58 है क्या? अच्छा अच्छा। उम्र कितनी होगी भैया? अभी बच्चे ही है। बच्चे ही है क्या? क्या नाम है आपका? राजू। राजू कहाँ से आए हो भैया? हम तो यही महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से है ना? कौन से जिले से? नंदुरबार जिले। नंदुरबार से? तो नज़दीक से ही हो। हाँ नज़दीक से ही है। अच्छा तो अभी ये क्या प्राइस रखी है इसके भैया? इसकी प्राइस 3 लाख रुपए। 3 लाख? चलने में भी भारी है। अच्छा नाच कूद है इसका? हाँ नाच काम भी है। मारवाड़ जात का नस्ल का बच्चा है ये। अच्छा अच्छा। तो बेच क्यों रहे हो? बोलो शो के बस खाली लाए बिक्री के लिए। क्या तो रहेगा? हाँ, नहीं तो वापस फिर वापस कर लोगे ना? ये कितने सालों से अपने पास है ये भैया? हो गए अपने पास में इसको 2-3 महीने हो गए। मतलब अपने पास में आने 2-3 महीने हो गए। हाँ भैया। आपने खरीदा क्या? खरीदा था क्या ये? नहीं भैया घर की गुड़ी का बच्चा है। तो ये 2-3 महीने क्यों हुआ अपने पास है? मतलब सामने वाली के पास में इसको दे रखा था अपने पास में। बड़ी दिक्कत आ रही थी। 8-8, 9-9 जानवर रहते अपने पास। अच्छा अच्छा। तो इस कारण अपने पास में एक जगह सोई नहीं हो रही थी। अच्छा। तो 2 महीने के लिए उसके पास में बेच दिया था। अच्छा तो आप व्यापार कब से कर रहे हैं भैया? व्यापार तो बहुत छोटा था। मैं कितने सालों से? जब आज मेरे को 20वां चल रहा है। हाँ मैं जब था 10 या 11 साल का था जब से घोड़ेबाजी के अंदर। अच्छा तो आप राइडिंग सब नचवाते? सब नचवा कूदा सब क्या करते हो? सब हर एक आइटम घोड़े को डालते हैं अपन। तो ये आप किसी को सिखवाना हो किसी को नाच को तो आप करते हैं क्या ये काम? हाँ भैया ये भी करते हैं। अच्छा क्या फीस रखी है आपके? आपने भी, हमने रखी भैया हमारी फीस 12,000 रुपए। 12,000 में आप क्या क्या करवाते हैं? सब आइटम 2 रुपए से लेके तो नीचे से लेके। अच्छा। तो चौथाला। अच्छा। लंगड़ी खेलना। अच्छा। तो 2 रुपए चलना। अच्छा। मटका कलसी उठाना। अच्छा। नोट उठाना, सलामी करना, बहुत आइटम डालते घोड़े के अंदर। बहुत आइटम ये आप सिखाते होंगे? हम सब सिखवाते हैं। अगर कोई घोड़ा अगर बदमाश होता है या घोड़ी बदमाश होती है तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करते हो भैया? कोई घोड़ी घोड़ा और घोड़ी बदमाश होती है तो देखो हमारा एक इलाज है जी। जो कान में जो कान रहते हैं इनके, इनमें 5-5 मतलब कपूर के डाल दो। अच्छा। आधा घंटा घोड़ा बेहोश पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है? आधे घंटे बाद घोड़े को खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा। कि अपने को कैसा चलना है। अच्छा तो आप हैंडल कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। एक पूरी मतलब कपूर की आती है उसको ऐसा मिक्स करना, थोड़ा पानी डालना। अच्छा। तो उसके कान में दोनों तरफ से छोड़ देना। अच्छा। जिस टाइम उसको वो लगेगा ठंडा तो उस टाइम वो खुद चक ऐसा 2-3 मिनट बेहोश होगा। उसके बाद में खुद। अच्छा। खड़ा होकर समझ जाएगा। फिर काटना बिटना। अच्छा। ये सब भूल जाएगा। ये सब ये काटता भी है क्या घोड़ा? भैया काटते बिटते नहीं, ऐसे में 2-3 जगह पर देखा घोड़ा मतलब ऐसे वो मुंह से ऐसे करते हैं। मतलब अभी कोई कोई नवीन इंसान रहता है, जानवर की भी एक खूबी है कि कोई कोई नवीन इंसान रहता है तो उसको ऐसा मतलब पकड़ डराते हैं। ठीक है मेरे पास में मत आ। अच्छा डराते। अच्छा, अब जो घोड़े आला रहता है। अच्छा, उसके पास में डायरेक्ट जाएगा तो उसको कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा। ये विषय ये जो अपने ज्यादा महाराष्ट्र में ऐसा सब कुछ चल रहा है कि भवरा भवरी है जो ये बहुत सारा यहाँ पर देख। हाँ भैया ये बहुत। तो ये भवरा भवरी का आप मुझे बताओ ना कि होता क्या है? क्या ये भैया अगर कम्प्लीट होता ना उसको कैसे? जो ये कान की भवरी है ना। हाँ, इसको कान की भवरी बोलते है। अच्छा, ये रही। हाँ, तो ये सीधी रही तो ये इसको मतलब घोड़े को बोलते है। अच्छा अच्छा, अच्छा। जो खराब रही। हाँ, तो इसको नहीं लेते फिर कोई घोड़ा। अच्छा तो खराब कैसे होता है मतलब? भैया देखो ये जो साइड में तो भवरी है ना। हाँ ये भवरे। हाँ ये भवरी है ना ये। हाँ, हाँ, इस भवरी के बीच में मतलब इधर की एक साइड से भी भवरी न होना दो। हाँ, नहीं इधर से भी एक भवरी न होना। अच्छा। हाँ मतलब जो बीच में जो 3-2 भवरी रहती है। हाँ, बराबर बाल भवरी का सांप बोलते हैं मतलब। अच्छा उसको सांप बोलते हैं। अच्छा, जो भवरी रहती है उसको मतलब उसको सीधे रहना चाहिए। अच्छा, एक जगह पे 3 भवरी नहीं होना चाहिए। 3 भवरी नहीं होना चाहिए। 2 भवरी होना चाहिए। और ये यहाँ पर कुछ होता है? यहाँ पर क्या देवमन? देवमन देवमन होता है भैया। देवमन ये वाला तो है नहीं, उस पर तो है नहीं इसमें भैया। देवमन का देवमन कोई कोई घोड़े को होता है, ठीक है? ये कितने हजारों में होते हैं कि लाखों में होता है? कैसे लाखों में होते हैं? अच्छा, मतलब इसमें बहुत कम देवमन मिलते सभी घोड़ों को। अच्छा, वो देवमन कैसे पता लगाएंगे हम ये देवमन है भैया? यहाँ पर मतलब ये एक निशान होता है। हाँ, उसको बोलते हैं देवमन होता है। हाँ। अच्छा तो और क्या गुण होता है घोड़े के अंदर, और क्या देखते हैं हम भैया? हमने तो बस खाली मेरे को तो इतना शौक है बस चाल।
ये मेरी तीन वस्तु की शौकीन है। अच्छा उसकी वो काफी आपको पसंद है। हम कभी घोड़े को मारते हैं। अच्छा मारते नहीं? हाँ मैं देख रहा हूँ काफी लोग मारते भी है। हम कभी घोड़े को नहीं मारते। तो मारने से क्या होता है, मतलब जानवर बिखर जाता है? बिखर जाता है ना। तो ये इतने बड़े बड़े को मार रहे हैं तो ये क्या, ये मारते क्यों? मतलब बाद में लगाम बिगाम को बहुत दिक्कत देते है भैया। तो अभी ये जो मार रहे है ना, तो अगर ये छोटे को ही अगर सिखाते तो मारने की जरूरत नहीं पड़ती? हाँ ये विषय जो छोटा रहता है ना, हाँ उसको सिखाते थे, हाँ तो उसको मारने की गरज नहीं लगती है। अच्छा हाँ। तो ये बड़े बड़े को बड़े रहते हैं, हाँ उनको तो भी मारते हैं तो भी वो तो, देखो कम सीखते हैं ना। थोड़ा मामूली अंडर लगाने गिरता है, हाँ ये वसूली। अच्छा ये थोड़ा गर्म करना है अपने को, घोड़े को माहौल करना है, तो एक हल्का अंडर लगाओ घोड़े को, अच्छा तो घोड़ा खुद ब्रश जाएगा। मतलब अच्छा तो ये प्रेम से होता है, घोड़े को प्रेम से करवाना, लेकिन ये मारने से ये सब नहीं समझता है ना। बहुत लोग मार रहे हैं छोटे बच्चे को, अगर सिखाना अगर लग जाए वो तो ये सब नहीं करना पड़ता। अभी देखो मैं इस टाइम में इंदौर था जी, इंदौर में मैंने मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट था चार घोड़ों का ना। हाँ इंदौर में एक जुगनू भाई करके नाम है, हाँ उनका एक घोड़ा था, उनके घोड़े सिखाना था मतलब। हाँ। उनके घोड़े के पास में गए थे हम। अच्छा उनके चार बच्चे सिखाए थे हमने, मतलब वो बच्चे थे मतलब इसी हाइट के। अच्छा, अच्छा तो उनको हमने सिखाए थे जी। तो उस टाइम से हमने बच्चे जब सिखाना चालू करे तो अभी तक मतलब ऐसा मानने की गरज नहीं गिरी किसी को। अच्छा बस प्यार मोहब्बत से लो जानवर को, बेटा बेटा करते मुंह से बोलते। अच्छा। चलोगे तो उतना वो बरस के काम बताएगा, उसको मारेंगे तो फिर वो विषय खराब हो जाता है। देखो अगर आपको कई फोरम पर बुलाते हैं तो कुछ सिखाने के लिए बुलाता है। हाँ भैया कुछ है ना। तो अगर ये घोड़ा, जैसे मेरे पास एक घोड़ा है और मैं छोटे बच्चे से इसको बड़ा किया हूँ, हाँ। अगर आपको मैं बुलाया अपने स्टैंड पर और सिखाने के लिए, अगर आप वहाँ पर आओगे और मारपीट करोगे तो मुझे तो काफी दर्द होगा ना। हाँ ये विषय तुम्हारे जो अभी जिसका जानवर रहता है, हाँ, हाँ, उसको दुख होता है जिसके अंदर कि भैया क्यों मार रहा है मेरे घोड़े को। हाँ तुम प्यार मोहब्बत से ना। किसी किसी को तो मतलब निकालते होगे यार, मेरे को मारना नहीं पहले नहीं सीखे वो चलेगा। 2-3 दिन पहले मेरी एक विषय हुआ था, हाँ नागपुर का, 2 रुपए चलाना था मेरे को घोड़ा जी। वहाँ पर मैं घोड़े सिखाने गया था जी। तो उस टाइम वो भैया मेरे को बोल रहे थे कि भैया घोड़े को मारना नहीं अपने जी, प्यार से सिखाना, एक लकड़ी का बेद भी ना लगाऊंगा जी। तो उसको भैया खाली हमने बस बाघ पर ही नचा, बाघ का इशारा मतलब समझता था घोड़ा जी। तो उस टाइम आज घोड़ा आया हुआ मेले के अंदर। अच्छा मेले के अंदर बहुत चलता है, लाल अपना घोड़ा है बहुत चलता है, 2 रुपए खुला बनकर। अच्छा और आप दिखाइए कि और क्या वो खूबी होती है घोड़ों में, और जो व्यापारी है वो क्या देखते हैं जो पालने वाले होते हैं ना? भैया देखो जो अभी जो वो भवरे का तो आपने बोला घोड़े वाला नहीं, हाँ वो घोड़ा कैसा भी उठा लेता है। अच्छा, अच्छा अब वो सबसे बड़ा जो घोड़े वाला रहता है भवरी वाला, जो बाल भवरी देखता है। अच्छा बाल भवरी का किले रे, हाँ देवमोहन है, कंटा है, ये सब कुछ। अच्छा कंटे में क्या होता है, कंटे में कैसे पता लगा कि यहाँ पर कंटा यहाँ पर आता है बेटा? कंटा यहाँ पर आता है, यहाँ पर वो भवरी जैसे ही होता है नहीं, वो सीधा ऐसा रहता है कंटा। अच्छा कितने होते हैं उसमें ऐसे कंटे में? भैया यहाँ पर एक रहता है, यहाँ पर एक। अच्छा दो होते हैं तब वो कंटा माना जाता है, उसको बोलते हैं कंटा। अच्छा और क्या देखते हैं उसमें? नहीं बस देवमन देखते हैं, हाँ हाथ पैर का बटन देखते। अच्छा बस ये मतलब ये खूबी चलती है। किसी को अगर नया शौक हो जाता है तो वो फिर वो ये सब देखना बहुत जरूरी है घोड़े के अंदर, क्योंकि देखो शौक बहुत अभी लग रहे हैं पहले से ज्यादा, अभी शौक अभी जो बच्चे हैं उनको घोड़े का शौक लग रहा है तो ये सब। मेरे को तो बचपन से यार घोड़े का शौक नहीं, आपको तो चलो है, लेकिन अभी जो अभी जनरेशन की हम बात करें तो अभी ज्यादा शौक बढ़ रहा है घोड़े का शौक, बहुत धीरे धीरे ज्यादा हो रहा, पहले बीच में कम हो गया था, और या फिर हमारे राजा महाराजा के समय घोड़ा का ज्यादा वो होता था, उसी टाइम से तो बढ़ते जा रहा है। भैया बोलने वाले बोलते हैं कि इस मेला डायरेक्ट मतलब जूने लोग थे जी, उस टाइम भी यहाँ घोड़े आते जी, उस टाइम से सारंगेड़े का मेला बहुत फेमस है। घोड़े के अंदर बीमारियां भी बहुत होती है, वो कैसे पता लगा है कि बीमारी ये चीज की बीमारी होती है? देखो जो पाँव में मुट्ठा मुत्रिया ये सब होते है ना, हाँ ये अपने कारण होते हैं, उनके कारण नहीं होते, बस साफ सफाई करते रहो घोड़ों की जगह। अच्छा, की नहीं अगर बाय चांस अगर मुझे ही जैसे मान लो कि घोड़ा खरीदना है और मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है और मुझे बहुत ज्यादा ही शौक लग गया है, तो फिर मैं कैसे पता लगाऊं कि इसमें ये बीमारी है? तो भैया तुम्हारे बजट में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो सामने तुम्हारे को बस खाली घोड़ा खूबसूरती में अच्छा दिखेगा, तुम हाँ, बोलेंगे मेरे को हाँ, मुझे ये ले लेना, मुझे तो ये अच्छा लग रहा, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ आइडिया नहीं। दूसरा घोड़े वाला रहता है, हाँ
तो उसको एक कोई अपना दोस्त दूंगा, किसी को नहीं सामने वाला नवीन है तो वो पूछ सकता है जी कि भैया इस घोड़े में क्या है ऐसे। जी तो मतलब आपका कहना ये है कि कोई समझदार को आप साथ में रखे और घोड़ा खरीदे, ये विषय होगा ना। बाकी देखो नए को समझदारी नहीं होती है तो आपको घोड़ा खरीदने नहीं, किसी समझदार को साथ में लेके आप चले और घोड़ा खरीदे। आप जो दोस्त है अपना नहीं कोई जानते अपने जी को, तो उसको जो घोड़ेबाजी के अंदर पहले से एंट्री हो चुका है जी, तो उसको ले चलो साथ में, न पूछो कि इस घोड़े में क्या गुल्डे जी न क्या है जी, लेकिन बस इतना ही है। चलो धन्यवाद आपका, थैंक यू बात करने के लिए।